गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था डाटा किसे कहते हैं और डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये क्या होता है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को वर्गीकृत करना या डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार। याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम्स में एक नंबर या डेढ़ नंबर आता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है, उसे वर्गीकृत कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, उसे वर्गीकृत कीजिए या आए डेटा स्ट्रक्चर के प्रकारों को लिखिए या समझाइए, तो आप हमेशा कुछ चोरी नहीं बनाओगे। जब भी कोई बोले वर्गीकृत करना है या उसके प्रकारों को लिखिए, तो आपको उस समय किसी भी प्रकार का उस टॉपिक की डेफिनेशन नहीं देनी। याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त डायग्राम ही लिखना है। ये डेट नंबर है, दो नंबर में आएगा, तो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। समझा रहा हूं, क्या समझना है। देखिए, डायग्राम बनाने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि टॉपिक क्या था हमारा, डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्गीकृत करना है। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर लिख देना, ठीक है। फिर माइंड रखना कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला है सरल डाटा स्ट्रक्चर। सरल मतलब आपको पता होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर को वर्गीकृत करना है, तो आपको दिमाग खुशी और आना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होंगे। पहला हो गया सरल और दूसरा हो गया यूटिल। सरल का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा को समृद्ध करते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद समृद्ध करते हैं, उसे बोलते हैं सरल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आता है यौगिक। यौगिक दिमाग रखना है कि समूह, एक से अधिक डाटा जब मिलके बनते हैं या एक से अधिक डाटा के प्रकारों को मिलकर जब लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसे बोलते हैं यौगिक। आपको पता होना चाहिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर एरे का यूज करते हैं, तो हम हमेशा डाटा को एक सीक्वेंस में चलाते हैं। जैसे आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं, हमने इंटीजर के लिए फाइल लिया, ठीक है, जब हमने प्रोग्रामिंग एरे यूज करता है, इसलिए सरल डाटा स्ट्रक्चर करता है। अब इसके अंदर जो फाइल वैल्यू है इसकी, अब ये वैल्यू कैसे चलेगी आपको पता है, सीक्वेंस से चलेगी, तो सरल तरीके से चलेगी, एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब नंबर क्या होंगे, डिक्रीज ऑर्डर से इंक्रीज ऑर्डर तक बढ़ेंगे, इसलिए हम सरल डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये नंबर बाय चांस फाइव भी ले सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मुझे सरल तरीके से ऐसे ना लिखे, दूसरे तरीके लिखना था, तो मैं वैसे ले सकता हूँ 3, 8, 12, 18, 35। ये भी क्या है, ये भी वैल्यू है फाइव की, 3, 8, 12, 18 और 50। मगर ये सब क्या है, सीक्वेंस में चल रहा है, घटते क्रम से लेके बढ़ते क्रम में। जब भी कोई डाटा प्रोग्रामिंग के अंदर संग्रहित करते हैं, उसके लिए हमेशा सरल डाटा स्ट्रक्चर लिखते हैं। सर नई बात आपको ये कि सरल डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट है, पहले दिमाग में रखना एरे, क्योंकि ये एरे सेकंड चैप्टर है हमारा, इसमें एरे को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, तभी तो समझ लीजिए एरे क्या है, सरल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड डाटा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद रखें थोड़ी सी, स्ट्रक्चर क्या करता है, इन सभी डाटाओं को एक ग्रुप में बांध कर रखता है, ठीक है। हमारे लेवल के अंदर स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, वो है 8 चैप्टर के अंदर, तो उस वक्त समझोगे स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर का उपयोग हम C++ भाषा में करेंगे, अभी हम डाटा स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब डाटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में इसके कुछ टॉपिक अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर को C++ में अलग तरीके से समझाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि हमें कौन सा लिखना था, आपके बोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछेंगे डाटा स्ट्रक्चर को वर्गीकृत कीजिए, तो आपको सबको वर्गीकृत करके पता चला। और ये जरूरी नहीं है कि उदाहरण आप लिख के आओ, उदाहरण को समझाने के लिए बताया था कि सरल डाटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तुम्हें सजेशन दो, बोर्ड में नहीं बनाना आपके बारे। अब थर्ड नंबर का आता है यूनियन। यूनियन स्ट्रक्चर और यूनियन एक ही प्रकार से कार्य करता है,
मगर ये सिर्फ एक लिंकेज होता है, ये एक साथ ग्रुप के अंदर डाटा की वैल्यू को लेता है, वो यूनियन प्रोग्रामिंग के समय अलग अलग ग्रुप के अंदर डाटा की वैल्यू को करता है। तो हमें दोनों को नहीं इस डेफिनेशन से ज्यादा नहीं पढ़ना, इसे समझना है हमको, क्योंकि यूनियन और स्ट्रक्चर का उपयोग हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाते हैं क्लास के अंदर, तब क्लास के अंदर हमें यूज होता है। तो हमें दोनों ही समझना है, सिर्फ ये समझना है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है योगी डेटा स्ट्रक्चर। अब योगी डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है आपको बताता हूँ, और प्रकार के डाटा टाइप को एक समूह में बांध के रखने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का नाम किसका उपयोग करते हैं, योगी डाटा स्ट्रक्चर, जो कल हमने परिभाषा दिखाई थी, उस परिभाषा के डायरेक्ट अंडरलाइन भी कहे थे आपको, वो एग्जांपल दिया था कि एक समान डाटा कैसे बांध करके डाटा स्ट्रक्चर और विभिन्न विभिन्न प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर टाइप को कैसे एक साथ बांध रखेगा, तो वो कैसे बांध रखेगा, एक समान डाटा स्ट्रक्चर को एक साथ बांध रखने के लिए डाटा स्ट्रक्चर सरल डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर को एक साथ बांध के रखने के लिए योगिक डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है डाटा स्ट्रक्चर, याद रखना बात, ठीक है। अब देखिए योगिक डाटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है पंक्ति हमारे चैप्टर है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अभी से ही समझ जाना कि भाई पंक्ति जब भी प्रोग्रामिंग हम बनाएंगे तो पंक्ति का उपयोग कैसे करेंगे, पंक्ति क्या डाटा स्ट्रक्चर है, स्टेट डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग हमें कैसे करना है और लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग हमें कैसे करना है। तो याद रखना अभी से जब योगी डाटा स्ट्रक्चर के लिए कितने टुकड़े करते हैं, दो टुकड़े, दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या है देखिए और इसमें आ रहे हैं। अब पहला समझिए कि रेखिक होता क्या है, पहली चीज ये समझना, रेखिक का मतलब ये होता है कि हम जब भी किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को एक एक के बाद एक लगातार देते हैं, मगर उसको देने के लिए हमें क्या होती है अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो रेखिक डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, उन डाटाओं के लिए पहले से ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सुरक्षित करके रख लेता है, ठीक है। इसे बोलते हैं रेखीय डेटा स्ट्रक्चर, रेखीय डेटा स्ट्रक्चर में पंक्ति स्टेट और लिंक लिस्ट, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा हमारा 3-4-5 चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसको उसमें डिटेल में पूरा समझेंगे, तो सबसे याद रखना रेखीय डेटा स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, पंक्ति आएगी, स्टेट आएगी और लिंक लिस्ट आएगी, उसके बाद में आर एक डेटा स्ट्रक्चर। आर एक डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग बनाते समय डाटाओं को किसी भी समय हम संग्रहित करा सकते हैं, और डाटा किसी भी प्रकार का डाटा दूसरे डाटा के साथ में हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए हम रेखीय डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। रेखीय डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग करने का क्या होता है कि जैसे हमने प्रोग्रामिंग बना ली, अब हमें बीच में किसी भी डाटा की जरूरत पड़ी, तो हम कहेंगे अब क्या करें, तो उस समय हम ट्री या ग्राफ का उपयोग करके उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी नए प्रकार का डाटा हम संग्रहित करते हैं। याद रखना हमारे प्रोग्राम के अंदर ट्री और ग्राफ नहीं, आरबीसी बोर्ड राजस्थान में ट्री और ग्राफ का कोई चैप्टर नहीं है, तो हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को अच्छी तरह याद रखना, हर साल बोर्ड के अंदर डेढ़ नंबर दो नंबर आता है,